देश में सरकार की ओर से योजना बनाई गई है कि नरेगा के तहत ग्राम पंचायत में ही ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। लोग 100 दिन का कार्य कर अपना जीवन यापन करेंगे, किसी को बाहर शहर में जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन लखनादून के ग्राम पंचायत सहायक सचिव और सचिव की ओर से गरीबों के हक का काम छीना जा रहा है। जेसीबी मालिकों के साथ मिलीभगत कर मशीनों से मनरेगा का काम कराया जा रहा है और फर्जी हाजिरी भर कर पैसे बंतरबांट किया जा रहा है। वहीं जब इस मामले में डॉक्टर निरपित से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरी तरफ से कोई भी मनरेगा का कार्य नहीं किया गया है, लेकिन मेरे खाते में पैसे तो आए जिसे निकलवा भी लिया गया है। वहीं जब इस मामले में वरिष्ठ अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सिवनी से मुकेश साहू की रिपोर्ट। सर, धनकड़ी का मामला है। धनकड़ी ग्राम पंचायत में जो डॉक्टर की हाजिरी भरी जा रही है, जो कि डॉक्टर से हमने कॉल में बात की आसे पत्रकार, तो वो मना कर रहे हैं कि हमारे द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता, पैसे डलते हम निकाल के दे देते हैं, ऐसा क्यों? ये शिकायत आपके माध्यम से प्राप्त हो रही है, हम इसकी जांच कराएंगे। सर, तो भर सकते हैं क्या हाजिरी किसी की भी? अगर उसका जॉब कार्ड हो, उस काम कर रहा हो तो भर सकते हैं। वो मना कर रहा है कि काम नहीं कर रहा? आपके माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई, हम उसकी जाँच कर रहे हैं। ठीक सर, कितने दिनों में जांच हो जाएगी? जल्द से जल्द करा देंगे, क्योंकि सर 15 दिनों से तो न्यूज़ों में चल रही है ये, मगर अभी तक आपको जानकारी नहीं लग पाई। एक प्रकरण सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से आया है, हमने संबंधित मुख्यमंत्री को सौंपा। कितने दिन पहले आया है आपके में ये? जब भी आया हो, लेकिन हमारे पास आया था तो हमने उसको सौंपा। अभी तो आप बोल रहे थे कि मेरे द्वारा सिर्फ जानकारी मिली है आपको। नहीं, अब सीएम हेल्पलाइन का प्रकरण और ये प्रकरण अलग अलग है। एक उसके माध्यम से आया व्यक्ति, वो है कि वो है, वो अलग अलग है, ये नहीं कह सकते अभी। धनकड़ी ग्राम पंचायत में डॉक्टर की फर्जी हाजिरी डल रही मनरेगा में, और वो खुद मना कर रहे हैं कि हम लोग कोई काम नहीं करते हैं, उस पर क्या कार्रवाई होगी? रोज पेपरों में चल रहा है। नहीं, वो मस्टर को हम चेक करके बता पाएंगे। मस्टर भी छपा हुआ है, तो ऐसा क्या कितनी ग्राम पंचायतों में हो रहा है फर्जी हाजिरी का काम? नहीं, वो ऐसे फर्जी हाजिरी का पता अभी तक तो मेरे सामने नहीं आया है जी, है ना। लेकिन अब मस्टर चेक करवा के क्या कार्रवाई होगी? लाखों रुपए डल गए खाते में, तो उस पर भाई सर सचिव रोजगार सहायक पर कार्रवाई होगी। इसमें रोजगार सहायक की कार्रवाई होगी, क्योंकि डॉक्टर से हमने कॉल में बात भी किए तो उन्होंने बोला मैं और मेरी पत्नी ने काम नहीं किया है, पैसे डाल देते हैं और फिर निकलवा लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं मस्टर बुलवा के चेक करवा। धनकड़ी का मामला है ग्राम पंचायत का। ठीक सर, धन्यवाद सर। सर, धनकड़ी पानी की अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के सिवनी की, जहां एक और राशन और प्रशासन दावा करता है कि सिवनी जिले में पानी के लिए कोई भी परेशान नहीं होगा। सरकार की योजनाओं से ग्रामीणों के लिए स्वच्छ पानी पीने के लिए इंतजाम किया जाएगा। तो दूसरी ओर घटोर जनपद पंचायत के गाँव निधानी में सरपंच सचिव की अनदेखी के चलते लोग पानी के लिए तरस रहे, लोगों को साफ पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार जिम्मेदारों को शिकायत करने के बाद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। इंसानों के साथ मवेशियों को भी पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। वहीं पानी के लिए परेशान ग्रामीणों ने जिम्मेदार लोगों से पानी की व्यवस्था करने की गुहार लगाई है। सिवनी से मुकेश साहू की रिपोर्ट। यहाँ जो है पेयजल की ज्यादा समस्या है, और अभी जो है यहाँ ग्रामीण लोग इतना परेशान हैं, दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। अच्छा, तो मात्र एक नल है? एक नल है बस। ठीक है। मवेशी के लिए बहुत ज़्यादा समस्या है यार, इतना पानी बेकार है यहाँ। वो थोड़े सी वो भी रोड वालों ने खुदवाए थे इसलिए पानी है, नहीं तो वो पानी भी नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, रोड वाले ने खुदवाए, कोई पंचायत वंचायत नहीं खुदवाई उसको, इसलिए वहाँ पानी का व्यवस्था हो गया था। थोड़ा उसको पंचायत वाले साफ आप करवा दे तो बहुत अच्छी बात रहती। अच्छा, ग्रामीण पीने के पानी कोई समस्या है? अरे बहुत समस्या है, वो गांव पे एक हेड पंप है, इतना रात भर आदमी उसको चलाते है, थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, नहीं तो बाकी परेशान। सबसे बड़ी ज़्यादा समस्या है। अच्छा। हमारे गाँव में ना तो आस पास नदी है और तालाब भी हैं, तो एकदम सूखे हैं। एक तालाब है जिसमें थोड़ा सा पानी है, जिसमें वो पानी कहना चाहिए कि उपयोग लायक ना, इंसान के उपयोग के लायक है ना जानवरों के उपयोग के लायक है, एकदम बेकार पानी है वो। और हमारा एरिया पानी से कहना चाहिए, यहाँ जो है पेयजल की ज़्यादा समस्या है।